नमस्कार, मौसम चिलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों की ओर। एक हल्के WD का असर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर देखा जा रहा है, विशेषकर उत्तर पाकिस्तान से लगाकर, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान ये WD आगे निकलेगा। और वहीं एक WD 6 तारीख के आसपास से लगाकर 9 अक्टूबर के मध्य इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में या अंधड़ वर्षा के रूप में दिखाई देगा। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भागों के आसपास एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, और यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र है, न्यून दबाव है, और वहाँ से ट्रफ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुँच रही है। यहाँ पर देखें तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी गुजरात के उत्तर मध्य भागों के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब है, जो कि अब धीरे धीरे हल्के प्रभाव में है। और एक सर्कुलेशन उभर रहा है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज भी ये रुख बना रहेगा और केवल निचले स्तर पर फिलहाल बना हुआ है, और मध्यम ऊंचाई पर या कहीं 1500-2000 मीटर पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव है, जो धीरे धीरे अगले 2-3 दिनों में यहाँ से हटेगा। और ये सिस्टम जो सर्कुलेशन है ये कुछ प्रभावशाली बनेगा और हवाएं ऊपर तक उठते हुए घने बादलों का निर्माण करेगी, जिससे अंधड़ में गर्जन, कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं तेज़ तूफानी हवाएं संभव हो सकेगी उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में, और उससे सटे हुए राजस्थान के इलाकों में भी मौसमी बदलाव देखा जाएगा। फिलहाल इस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ हैं। अगले 24 से 48 घंटों के मध्य राजस्थान के कुछ भागों में मौसमी बदलाव होने की संभावना है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन, खंड वर्षा की स्थिति बन सकती है। और जो दक्षिण के क्षेत्रों पर दिखाया गया कलर है, ये हल्का कलर केवल बादलों की आवाजाही या कहीं कहीं सघन बादल बनने की ओर इशारा है, जबकि उत्तर की ओर बना हुआ इससे कुछ गहरा कलर लेकिन हल्का है, वो भी ये इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं बिजली चमक, मेघ गर्जन की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि आज के लिए तो विशेष कोई खास नहीं, लेकिन फिर ये कल से यहाँ पर देखें तो कुछ जगहों पर स्थिति जयपुर, सीकर संभाग, बीकानेर संभाग की ओर घने बादल बनाने के साथ ही खंड वर्षा कर सकती है। आज तो लगभग मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं ये WD की स्थितियों का कुछ यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है शुरुआती, जहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर घने बादल बनने के साथ बौछार वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, किसान भाई फसल कटाई का कार्य आराम से कर सकते हैं और लगातार फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में देखें तो विशेषकर 5-6 तारीख से लगाकर 8-9 तारीख के मध्य प्रभावित करेगा WD की गतिविधियों का असर, और खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ सीमित दायरों की, और तूफानी अंधड़ भी उस दौरान चल सकता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थितियाँ लगातार जो हैं तूफान बनने की ओर अनुकूल होती जा रही हैं, और तापमान देखे तो यहाँ पर जो है कुछ बढ़ा हुआ है, और ये तापमान आने वाले दिनों में यहाँ पर तूफानों की श्रेणी या कहे तूफान उत्पन्न करने की ओर बना हुआ है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में भी संभावनाएं हैं और अरब सागर में भी तूफान बनने की संभावनाएं हैं। हालांकि अरब सागर में बनने वाले तूफान के ट्रैक पर अगर देखें तो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ सकता है, जिसकी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, और ये संभावनाएँ हैं 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, दोनों ही जगहों पर संभावनाएं हैं। हालांकि अरब सागर में जो सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं वह 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य सिस्टम बनकर उसका असर भारतीय क्षेत्रों पर भी दिखाई देने की संभावना रहेगी, वर्षा के रूप में और कहीं कहीं तेज़ हवाओं के रूप में, तो कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में भी स्थिति हो सकती है तटीय किनारों से लगाकर, जिस पर जानकारी जब भी तूफान बनेगा तो उस दौरान आपको लगातार देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी संभावना रहेगी आने वाले दिनों में तूफान के उभरने की, और बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले तूफानों का ज़्यादातर ट्रैक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर रहता है इन दिनों में, और कुछ संभावनाएं रहती हैं इसकी उत्तर की ओर बढ़कर बांग्लादेश, म्यांमार के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की, लेकिन ज़्यादा संभावना इसके भारत के तटीय किनारों की ओर बढ़ने की संभावना रहती है, जबकि अरब सागर में ज़्यादा संभावनाएँ ओमान की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर या यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान की ओर से लगाकर रहती है। कुछ संभावनाएं भारत के क्षेत्रों की ओर भी रहती हैं, लेकिन फिर भी देखें तो जो जैसे जैसे समय बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे सिस्टम के आगे बढ़ने के ट्रैक या जो ज़्यादा संभावनाएं जिस ओर थी वह भी जो है कभी कम ज़्यादा होती रहती है, जिस पर जानकारी जब भी सिस्टम बनेंगे तो ट्रैक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर
पिछले 24 घंटों के दौरान चिलवस का अधिकतम तापमान 39.30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि अधिक है और अच्छी खासी धूप यहाँ पर दिख रही है। 22.20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 88%, न्यूनतम आर्द्रता 50% रही। दक्षिण पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं से हल्की आर्द्रता में वृद्धि हुई और यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं की वजह से ही कुछ बादलों का आवागमन आज भी देखा जाएगा। अभी सुबह 8 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार वायु दबाव कुछ घटकर 1009 मिलीबार के आसपास है। हवाएं अधिकतम यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 57.70 फीट दर्ज किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो ज़्यादातर शुष्क मौसम दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ निचले स्तरीय बादलों के चलते रहने की या आगे बढ़ने की संभावना दक्षिण पश्चिम दिशा से मध्य राजस्थान की ओर रहेगी। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा या जो समय बीतता जाएगा 10-11 बजे का, वैसे वैसे ये बादलों की आवाज़ें कम होगी और तीखी धूप बने रहने की संभावना पाली संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग की ओर है। कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के आसपास घने बादल बन सकते हैं, जिसमें उदयपुर संभाग में कहीं कहीं या जो उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर बांसवाड़ा संभाग में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा संभव है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी कहीं कहीं उत्तरी राजस्थान से लगाकर अगले 24-48 घंटों के दौरान बादल घने बनने के साथ ही कदुक स्थानों पर खंड वर्षा वाली गतिविधि कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। यानी ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में मौसमी बदलाव WD के कारण देखा जा सकता है। मानसून वापसी लाइन अभी भी कोटा से होते हुए, उदयपुर से होते हुए डीसा, सुरेंद्रनगर और यहाँ पर देखें तो जूनागढ़ गुजरात तक बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होते हुए लाइन बनी हुई है। आने वाले दिनों में देखें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून वापसी और आगे होने की संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पर राजस्थान में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बने रहने से किसान भाई फसलों के कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं और आने वाले दिनों में जैसे ही खंड वर्षा होने की संभावना जिन भी क्षेत्रों में बढ़ेगी या बढ़ने की संभावना रहेगी उन क्षेत्रों का जो है जिक्र करते हुए किसानों को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।